चमोली में महर्षि वाल्मीकि जयंती जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा, इस दौरान पूजा अर्चना और दर्शन किए गए। भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित महर्षि वाल्मीकि को फूलों से सजे भव्य वाहनों में बैठाया गया। वाल्मीकि मंदिर से निकली झांकी गोपीनाथ मंदिर के समीप से गुजरते हुए पूरे नगर के भ्रमण पर निकली। जगह जगह पर लोगों ने झांकी पर पुष्प वर्षा की और जयकारे लगाए। बीते शनिवार की रात्रि से ही वाल्मीकि मंदिर में भक्तों, श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। कीर्तन, भजन, पूजाएं आयोजित हुई। आज रविवार को प्रातः से झांकी की तैयारी शुरू हुई। अपराह्न बाद झांकी ने नगर में प्रवेश किया। झांकी के आगे वाल्मीकि समुदाय के युवाओं ने कर्तव्य और कौशल भी दिखाए, साथ ही कीर्तन होते रहे। कोविड के बाद शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकली गई। शोभा यात्रा व कीर्तन भजन में नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान सहित कई गणमान्यों ने भाग लिया है। समस्त नगर वासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम कुशेश्वर नगर में हर वर्ष वाल्मीकि जयंती को मनाते हैं और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कुशेश्वर नगर में भव्य शोभा यात्रा हमारे वाल्मीकि समाज के निकाली जाती है और उनके चरित्र के बारे में हम लोगों को अपने जीवन में उनके चरित्र को आगे बनाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उस रामायण को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की सबसे पहले हमारे यहाँ मंदिर में भगवान वाल्मीकि का भवन होता है और भवन होने के बाद यहाँ से झांकी निकलता है। जिस तरीके से भगवान वाल्मीकि ने लघु को विद्या दी थी के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो विद्या उसका हम आज तक अभी भी हम उसका उस विद्या को अपने बच्चों को सिखाते हैं। जिसका जगह जगह पे अखाड़े का प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद लास्ट में हमारे जयंती का भवन है। मैं धर्मेंद्र वाल्मीकि, ये वाल्मीकि मंदिर समिति के अध्यक्ष। हम लोग आज महर्षि वाल्मीकि जयंती का प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से अपने नगर के समस्त नागरिकों को तथा जनपद चंदौली की समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हर वर्षों की बात ही हम इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि जयंती बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इस जयंती को मनाने के लिए हमें शहर के नागरिकों का, प्रशासन का, हमारी सरकार का और खासकर नगर पालिका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत सहयोग मिलता है। इसके लिए हम अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ के व्यापारियों का भी हमें बहुत समर्थन मिलता है और पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे इस पर्व को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं।